प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रेरितों अध्याय 9 का 1 से 22 वचन शाऊल का हृदय परिवर्तन लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, यह उस समय की बात है जब शाऊल, जो बाद में पौलुस कहलाता था, वह प्रभु के चेलों अर्थात यीशु के कार्य करने वाले सभी चेलों को तथा कलीसियाओं को घात किया करता था तथा उन्हें सताया करता था। तब वह वहां महायाजक के पास गया तथा उसे उस समय दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर यह ऑर्डर दिया गया कि वह वहां दमिश्क में क्या स्त्री तथा क्या पुरुष जो भी प्रभु यीशु के विषय चर्चा करे या कलीसियाओं में उसका प्रचार करे, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। उस समय शाऊल यरूशलेम में रहता था दोस्तों, तथा फिर वह दमिश्क को जाने लगा। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों, जब वह दमिश्क को जाने लगा, तब चलते चलते एकाएक आकाश से उसके चारों ओर एक बड़ी ज्योति चमकी और तभी वह भूमि पर गिर पड़ा, क्योंकि दोस्तों वह उस समय घोड़े पर सवार था तथा उसके साथ और भी कुछ मनुष्य थे। जब वह जमीन पर गिरा, तब उसे कुछ शब्द सुनाई पड़े जो यह थे कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तब शाऊल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? तब सामने से आवाज आई, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर को जा तथा जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। यहाँ देखने वाली बात यह है मेरे प्रियो, कि यीशु ने शाऊल से कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, जबकि शाऊल ने यीशु को नहीं उसकी कलीसियाओं को सताया था। तो दोस्तों, यह स्पष्ट है कि जो प्रभु यीशु की प्रार्थना तथा प्रचार करने वालों को सताता है तथा दुख देता है, वह प्रभु यीशु को दुख देता है, क्योंकि बाइबल दर्शाती है मेरे प्रियो कि कलीसिया यीशु की देह है तथा यीशु कलीसिया का सिर है। तो स्पष्ट है कि जब कलीसिया को सताव होता है तो प्रभु को दुख होता है, इसीलिए यीशु ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, मतलब हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें शब्द तो सुनाई पड़ रहे थे परंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब जब यह शब्द शाऊल ने सुने, तब वह भूमि पर से उठा तथा जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसे कुछ दिखाई ना दिया, मतलब दोस्तों उसे दिखना बंद हो गया, वह अंधा हो गया। तब जो मनुष्य उसके साथ थे वे शाऊल का हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में आगे ले गए। तब दोस्तों शाऊल वहां 3 दिन रहा और उसे 3 दिन कुछ दिखाई नहीं दिया तथा उसने 3 दिन ना तो कुछ खाया और ना पिया। तब आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, दमिश्क के राज्य में ही हनन्या नाम का प्रभु का एक चेला अर्थात प्रभु का एक दास रहा करता था और वह प्रभु से प्रार्थना किया करता था। तब उस समय भी जब हनन्या प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने दर्शन में हनन्या से कहा कि हे हनन्या, उसने कहा हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है और उसने हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि वह फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ एक बात जानने व समझने योग्य यह है कि जब शाऊल 3 दिन तक देख नहीं पा रहा था, तब वह उस समय निरंतर परमेश्वर को पुकार रहा था प्रार्थना के द्वारा, और 3 दिन तक वह उपवास में था, जैसा लिखा है कि 3 दिन तक ना तो उसने कुछ खाया और ना पिया। दोस्तों, यह सत्य है कि शाऊल कलीसिया को सताता था, परंतु
जब उसका सामना अर्थात उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु के साथ दमिश्क के मार्ग में हुआ, तभी वह प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति बन चुका था। इसीलिए उसने 3 दिन निरंतर उपवास के साथ प्रार्थना की और एक दर्शन भी पाया जिसमें हनन्या नामक प्रभु का दास उस पर हाथ रख रहा था। तभी आगे हम देखते हैं, जब हनन्या को प्रभु ने कहा कि वह शाऊल के पास जाए तथा उसके सिर पर हाथ रखे तब उसकी दृष्टि वापस आ जाएगी, तब हनन्या ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैंने इस व्यक्ति के विषय बहुतों से सुना है कि ये यरूशलेम में तेरे लोगों को सताता था और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की योजना शाऊल के विषय कुछ अलग ही थी। शाऊल तो एक मसीह विरोधक था मेरे प्रियो, परंतु यीशु ने उसे अपनी योजना के अनुसार बुलाया था। और दोस्तों, जिसके लिए परमेश्वर की बुलाहट होती है, फिर चाहे वह मसीह विरोधक ही क्यों ना हो, वह भी घुटने टिकाकर परमेश्वर का दास हो जाता है, जैसा शाऊल भी हुआ। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, तब हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर मतलब शाऊल पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और फिर दोस्तों, तुरंत उसकी मतलब शाऊल की आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा भी लिया। हालेलुया। कैसा अद्भुत कार्य हुआ यहाँ मेरे प्रियो शाऊल के जीवन में। यह सीखने व समझने की बात यह है कि जब दमिश्क के मार्ग में शाऊल का यीशु के साथ सामना हुआ, तब वह 3 दिन तक देख नहीं पाया और वह 3 दिन उपवास के साथ प्रार्थना में लगा रहा। यहाँ उसकी शारीरिक आँखों के बंद होने का विषय है। वह अंधा तो हुआ मेरे प्रियो, पर यह भी सत्य है कि वह संसार में मसीह विरोधी कार्यों में जी रहा था, तथा जब वह आंखों से अंधा हुआ और 3 दिन तक प्रार्थना में रहा, तब उसकी शारीरिक व आत्मिक आंखें दोनों खुल गईं। तब वह मसीह की सच्चाई को भली प्रकार जान भी पाया। और दूसरी बात सीखने व समझने की यह है मेरे प्रियो कि उसने प्रार्थना में एक दर्शन को पाया कि प्रभु का कोई दास उस पर हाथ रखता है तथा फिर से वह दृष्टि पाता है। यह दर्शन परमेश्वर ने ही उसके हृदय में भेजा था तथा फिर उसे पूरा भी किया। दोस्तों, जब हम भी प्रार्थना में परमेश्वर की ओर से कोई दर्शन प्राप्त करते हैं, तब हमें भी यह जानना तथा विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजना का दर्शन वह अवश्य पूरा करेगा। क्योंकि दोस्तों, बाइबल दर्शाती है हबक्कूक की पुस्तक के 2:3 में यह लिखा है कि क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। जी हाँ दोस्तों, जो दर्शन हम यहोवा की ओर से पाते हैं, वह उसे अपने नियत समय में अवश्य पूरा भी करता है, जैसे उसने शाऊल के दर्शन को पूरा किया। उसके दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु ने हनन्या से भी दर्शन में बात की तथा उसने हनन्या को अपनी योजना को पूरा करने को कहा। तो दोस्तों, आप भी जब प्रार्थना में परमेश्वर के दर्शनों को पाएं, तो विश्वास करें तथा प्रार्थना करें, वो अवश्य उसे पूरा करेगा। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों, शाऊल ने बपतिस्मा लिया तथा भोजन कर फिर से बल प्राप्त किया। यह भोजन उसको शारीरिक रूप से बल प्रदान कर रहा था तथा बपतिस्मा ने उसे आत्मिक रूप से बल दिया। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों, शाऊल दमिश्क में कई दिन प्रभु के चेलों के साथ रहा और फिर वहां के आराधनालयों में यीशु का प्रचार भी किया, और वहां के सुनने वाले तथा देखने वाले फिर चकित रह गए कि क्या यह वही व्यक्ति है
जो यीशु के विरोध में यीशु की आराधना करने वालों को बंदी बनाने यहाँ आया था। और वहाँ तो उन्होंने यह भी पाया कि शाऊल तो और भी सामर्थी होता गया तथा इस बात का प्रमाण देता रहा तथा वह दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा कि यीशु ही मसीह अर्थात परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्या अद्भुत कार्य यहाँ इन वचनों में हम देखते हैं मेरे प्रियो। यह वही शाऊल था जो प्रभु यीशु की कलीसियाओं को सताने वाला था तथा उनका विरोधक था। वही आज यीशु के द्वारा एनकाउंटर अर्थात यीशु का सामना करने के पश्चात मसीह का एक दास हो गया तथा शाऊल का हृदय परिवर्तित हुआ। यही शाऊल बाद में पौलुस कहलाया, जिसने फिर बाद में खुद कलीसियाओं की स्थापना की तथा बाइबल की अधिकतर पत्रियां भी पौलुस के द्वारा ही लिखी गई हैं। मेरे प्रियो, शाऊल ने हृदय परिवर्तन के पश्चात तथा यीशु की योजना के अनुसार उसकी बुलाहट में चलते हुए वह कार्य किए जो प्रभु के साथ चलने वाले प्रभु के चेलों से भी परमेश्वर ने नहीं करवाए। ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु ने शाऊल अर्थात पौलुस से करवाए। जैसे प्रभु ने कहा भी कि यह तो अन्य जातियों तथा इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यह थी यीशु की योजना दोस्तों शाऊल के विषय। अक्सर दोस्तों ऐसा होता है, जो मसीह का अधिक विरोध करता है परमेश्वर उसे ही अपनी योजना में बुलाकर अपना दास भी बनाता है तथा उसका उद्धार भी करता है, उसका हृदय परिवर्तन करके, जैसा उसने शाऊल का भी किया। इसीलिए दोस्तों जब भी आप किसी मसीह विरोधी को देखते हैं तब आप भी अपने हृदय में यह निश्चय करें तथा विश्वास की प्रार्थना भी करें तो वह अवश्य मसीह का दास बनेगा तथा उसकी बुलाहट में भी चलेगा। क्योंकि दोस्तों जिसे प्रभु ने अपनी बुलाहट के अनुसार चुन लिया वह उसके द्वारा अपनी महिमा के कार्य अवश्य करवाता है, चाहे वह कितना भी मसीह विरोधी क्यों ना हो। और जिसका हृदय परमेश्वर चाहे अपनी ओर फेरता है उसकी आत्मिक आंखें खोलकर, जिससे वह परमेश्वर के दर्शनों को भी पा सके तथा प्रार्थना कर सके अपने उद्धार के लिए तथा दूसरों के आशीष के लिए तथा परमेश्वर के कार्य के लिए। जैसे प्रभु ने शाऊल की भी आत्मिक आंखें तथा शारीरिक आंखें खोली और उससे दर्शनों में प्रार्थना का उत्तर भी दिखाया हनन्या के द्वारा दृष्टि देकर। हालेलुया। तो दोस्तों आप भी परमेश्वर की बुलाहट को जाने, प्रार्थना में दर्शनों को मांग कर तथा फिर उसकी योजनाओं में संपूर्ण हृदय से समर्पण करें, जैसा शाऊल ने भी समर्पण किया तथा दुख तकलीफों में भी प्रभु की महिमा करना कभी ना छोड़ें। तो हमें भी यीशु के साथ साथ उसकी बुलाहट में चलना चाहिए मेरे प्रियो, तथा उसकी योजनाओं में संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। और दोस्तों यह विश्वास भी करें, जो मनुष्य आज यीशु का विरोध करते हैं जब प्रभु के समय पर उनका सामना यीशु मसीह से होगा उनका हृदय भी अवश्य परिवर्तित होगा, जैसा शाऊल का भी हुआ। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।